लेकिन जहां तक भागलपुर का सवाल है, भागलपुर के नाम पर तो 4 मरीज आज पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें एक बिहपुर है, एक सन्होला है, एक जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल है और एक मिर्जानहाट है। ये 4 भागलपुर के लोग हैं जो पॉजिटिव हैं, और 2 मरीज जो हमारे यहाँ कोरोना वार्ड में पहले से भर्ती हैं, जिसमें कि एक बांका के हैं और एक गोड्डा के हैं, वो दोनों भी पॉजिटिव आए हैं। तो कुल हमारे पास 6 मरीज आज पॉजिटिव हो गए एकाएक। पिछले 15 दिनों से हम लोग बहुत खुश थे कि कोई भी केस नहीं था, आज 6 पॉजिटिव हो गए, इसमें 4 की भागलपुर से उत्पत्ति है। इसमें कुछ मरीज तो बाहर से आए हैं, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि हमारे यहाँ जो चिकित्सक एक संक्रमित हो गए हैं इससे, उनकी कोरोना वार्ड की ड्यूटी भी नहीं लगी हुई थी पिछले 1 महीने से, तो कोरोना वार्ड में हमारे यहाँ कोई केस भी नहीं था, इसलिए उनके यहाँ से संक्रमण होने का सवाल नहीं है। शायद हो सकता है कि कम्युनिटी स्प्रेड से कहीं से आया हो, या वो मरीज देख रहे थे अस्पताल इमरजेंसीज में उन्होंने काम किया है, हो सकता है किसी भी जगह से उन्हें आया हो जहां मरीज का पता नहीं चलता है कि उसमें कोई लक्षण ना हो, वैसी जगह से भी हो सकता है। अभी परेशानी हमारी ये हो गई है कि चूंकि डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं और वो डॉक्टर लगातार काम कर रहे थे, कल भी काम उन्होंने किया था, आज सुबह तक भी काम ही किया था उन्होंने, तो वो जिन जिन लोगों के संपर्क में आए हैं, तो नियमतः कोविड पॉजिटिव कॉन्टैक्ट के साथ संपर्क में आने से हमें सारे लोगों की जांच करनी होगी, सारे लोगों को हमको देखना होगा, उनकी जगहों को भी संक्रमित करना होगा, सैनिटाइज करना होगा, और चारों तरफ हम लोगों को ध्यान उसमें रखना पड़ेगा। देखिए, चेन तो बढ़ेगा ही, तो जब पता चल गया कि अब इस तरह की बातें हुई है, तो सोशल डिस्टेंसिंग और यूनिवर्सल मास्किंग, ये 2 चीज़ बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें कि मुझे लगता है कि ये कमी देखी जा रही है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही ज़रूरी है मेरे भाई, आप सोशल डिस्टेंसिंग करो, आप सही मास्क लगा नहीं रहे हो, आप ज़्यादातर समय मास्क लगाते हो तो वो नाक और मुंह से नीचे रहता है, वो अच्छी बात नहीं है। मास्किंग करो, डिस्टेंसिंग करो, और आप बेकार की भीड़ मत बनाओ। जब हम लोग देख रहे हैं चारों तरफ, और आज 1-2 दिन से तो ऐसा लग रहा है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सड़कों पर लोग काफ़ी बड़ी संख्या में घूमते नजर आ रहे हैं, जो इसके हित में अच्छी बात नहीं है, लॉकडाउन के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि भाई मेरे, सोशल डिस्टेंसिंग जरूर करो और अपने चेहरे पे मास्क हमेशा लगा कर रखो, और नहीं करोगे तो मुसीबत सबके लिए होगी। 1 पॉजिटिव व्यक्ति 400 पॉजिटिव व्यक्ति 1 महीने में दे देता है, ये एक बहुत बड़ा जंप होता है, इससे हमें बचना चाहिए। इस चेन को तोड़ना आपके हित में है, आपके द्वारा ही संभव हो सकता है, सिर्फ सरकार मदद कर सकती है आपको, सरकार आपसे अनुरोध कर सकती है, लेकिन जब तक जनता सामने बढ़कर स्वयं ना आएगी, तब तक इस चेन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हमारे लिए।